हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टू, दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक एंड आई एक्सप्लेन लेसन वन. आई वॉज गिवन बुक वर्क ऑल्सो. सो टूडे आई विल टीच यू लेसन टू, वुड कटर एंड द मैजिक गुज. वुड कटर बच्चों हम किसको कहते हैं? लकड़ी काटने वाले को. जो लोग लकड़ी काटते हैं उनको वुड कटर हम कहते हैं. और मैजिक गुज को क्या हम कहते हैं हिंदी में? जादुई बतख या जादुई हंस. गुज मीन्स हंस या बतख. अब देखो, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम्ड गोपाल. एक गरीब वुड कटर रहता था जिसका नाम क्या था? गोपाल. ही लिव्ड इन अ विलेज. वो कहाँ पे रहता था? गांव में रहता था. ही कट द वुड फ्रॉम द जंगल. वो लकड़ी काट के जंगल से लाता था एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, और बाजार में उसको बेच देता था. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट एनफ. लेकिन जो उसके पास पैसे थे वो अधिक नहीं थे. वन डे ही बॉट अ गुज. फिर उसने क्या किया? एक दिन उसने एक बतख खरीदा, गुज खरीदा. ही थॉट, उसने क्या सोचा? आई विल सेल एग्स एंड अर्न सम मनी. उसने ये सोचा कि मैं इस अंडे को बेचूंगा और उससे कुछ पैसे कमाऊंगा. देन विद डैट मनी, फिर उस मनी से मैं क्या करूंगा, उस पैसे से क्या करूंगा? आई विल बाय सम मोर गिज, और बहुत सारे हंस या बतख खरीदूंगा. आई कैन अर्न मोर मनी बाय सेलिंग मोर एग्स, और जो पैसे मुझे अधिक मिलेंगे उससे मैं बहुत सारे अंडे को सेल करूंगा. बहुत सारे अंडे उसके पास आएंगे तो उससे पैसे भी उससे अधिक मिलेंगे. ही केप्ट द गुज इन साइड हिज रूम. उसने क्या किया? उसने गुज को कहाँ रख दिया? अपने रूम के अंदर. इट वॉज अ मैजिक गुज. वो क्या था? जादुई हंस था. नेक्स्ट मॉर्निंग गोपाल सा अ गोल्डन एग बिहाइंड द गुज. गोपाल ने क्या देखा अगले सुबह में? कि उस गुज के पीछे क्या था? सोने का अंडा था. ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हुआ. उसने देखा कि अरे ये तो पीछे में गुज के हंस के पीछे में क्या है? सोने का अंडा है. तो बहुत खुश हुआ. आई डू नॉट हैव टू वरी एनी मोर. अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है. Now I can buy enough food for all for us. अब मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकता हूँ. From then on every day the goose laid a golden egg. उसने क्या देखा? कि हर रोज जो वो goose थी वो golden egg क्या कर रही थी? दे रही थी. सोने का अंडा रोज देती थी. गोपाल sold it in the market at a गुड प्राइस. गोपाल ने उसे मार्केट में बेच दिया अच्छी कीमत पे. सुन ही बिकेम रिच, और वो फिर क्या हो गया? बहुत धनी हो गया. ही बॉट अ बिग हाउस. उसने क्या खरीदा? एक बड़ा सा घर खरीदा. ही लिव्ड देयर विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन. वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगा. अब जो नेक्स्ट और है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगी. थैंक यू.